हेलो व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है किस तरह से यूट्यूब से पैसे कमाने हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो लाजमी देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों की बहुत फ़ायदे की बातें हैं, प्लीज़ मिस ना कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा ताकि आप लोग जान सकें कि यूट्यूब पे क्या अपलोड करना है, क्या नहीं करना, किस वीडियो से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, किन से कम कमा सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल रखना है क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया है, आप लोगों को बताने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ चीज़ों को समझा करें ताकि आप लोग यूट्यूब पर ग्रो करें, अच्छे पैसे कमाएँ। चलते हैं, वीडियो देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज होस्ट रावत नान और आप देख रहे हैं टेकबॉस 24। आज की हमारी वीडियो स्पेशल है जिसमें हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल बनाने पे। अगर आपने चैनल बनाया तो किस किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, अगर आप चैनल बनाने का सोच ही रहे हैं और आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको चंद चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टार्ट करने के बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस, लोकल कॉपीराइट लॉ जो आपके मुल्क का होता है, एंड लास्ट में हम पार्टनर बन जाते हैं YouTube के YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो ये एडवर्टाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस भी हमें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये है ट्री, कम्युनिटी गाइडलाइंस, लोकल कॉपीराइट्स लॉ, इन चीज़ों से आपको बचना होगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे थे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की। आपको पता ही है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जो है ये बहुत ज़्यादा टफ होती है, कम्युनिटी का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पे यूट्यूब ने ये फीचर इसलिए बनाया है कि जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी कम्युनिटी है वो तमीज़ के दायरे के अंदर रहे, उनकी सेफ्टी रहे, कोई ऐसा काम ना हो जिससे माशरे में नेगेटिविटी फैले। सिर्फ यूट्यूब चाहता है कि ऐसे चैनल तरक्की करें, ऐसी बातें हो जिनसे माशरे में कोई फ़र्क आए, कुछ पता चले कोई अच्छाई हो रही है। डोंट हरेस अदर्स आर पोस्ट अल्ट्रा वायलेट वीडियोज़, ये इसका आपने ख्याल रखना है, किसी को हरेस ना करें, किसी को बुरा भला ना कह रहे हो। वहाँ पर डोंट पोस्ट अ बंच ऑफ रिपीटिव कमेंट्स, बिल्कुल बहुत सारे जो एक जैसे जिनका मतलब ही नहीं होता वो कमेंट वो आ रहे होते हैं। तो वार्निंग बहुत डेंजरस वो होती है, पहले तो आपको वार्निंग मिलती है, दूसरी वार्निंग मिलती है, तीन वार्निंग के बाद आपका चैनल जो है टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये एक आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप 90 दिन के अंदर आपकी तीन वार्निंग आ जाती हैं तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि कम्युनिटी वार्निंग आपने नहीं लेनी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से आपने बचना है, ठीक है। बात करते हैं कॉपीराइट लॉ, यह आपके मुल्क का भी हो सकता है और इंटरनेशनल में। अब देखिए, बात करते हैं हम किसी की वीडियो उठा के चोरी करके लगाएंगे तो जाहिर बात है उसको गुस्सा आएगा और वो आपको शिकायत लगाएगा यूट्यूब को, भाई इसकी वीडियो हटाओ, मेहनत मेरी है, फ़ायदा ये उठा रहा है। कॉपीराइट अ लीगल राइट दैट सेज यू कांट यूज समवन एल्स ओरिजिनल वर्क इन योर वीडियोस विदाउट देयर परमिशन, बिल्कुल ये मैंने बताया, कॉपीराइट आप किसी की परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी सूरत। और तो और अपने चैनल की भी वीडियो जो है दो चैनलों पर यूज़ नहीं करते, रिपीटिव कमेंट वो आ जाएगा। तीन स्ट्राइक के बाद आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा यहाँ से। कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम एंड कंटेंट आईडी जो है ये आपको, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। जो कॉपीराइट है हमने आपको पहले से बताया, जो टेक डाउन नोटिस है आपका, तो अगर आप किसी का यूज़ कर रहे हैं मटेरियल तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है, वीडियो उठा सकता है। तीन स्ट्राइक के बाद आपका चैनल उड़वा भी सकता है 90 दिन के अंदर। आपने ख्याल रखना है कि आप किसी का कंटेंट ना चोरी करें, अपना कंटेंट बनाएं, अपना टैलेंट यूज़ करें, अपने पास से जो कुछ कर सकते हैं वो करें और किसी का कंटेंट चोरी करने से परहेज़ करें, वरना आपका जो चैनल है हमेशा खतरे में रहेगा। मैं एक बार बता दूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक काफ़ी दफ़ा फ़ौरन नहीं आती, बाद में आ जाती है, और तीन स्ट्राइक आते साथ ही आप उड़ जाओगे यहाँ से, ठीक है। अकाउंट में भी टर्मिनेटर नहीं, 100% ही वो टर्मिनेटर होगा, ठीक है। अब कंटेंट ये जो आईडी पे बात कर रहे थे, कंटेंट वो आईडी पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मगर आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कंटेंट वो आईडी के लिए यूट्यूब को हमें परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि कोई फिल्म में चला रहा होता है, कोई गाने चला, कोई मैच क्रिकेट के दिखा रहा होता है, उन लोगों ने कंटेंट आईडी ली होती है। तो अगर हम कंटेंट ये आईडी का गलत इस्तेमाल वो करेंगे तो इसका भी हमें क्लेम आ सकते हैं, स्ट्राइक वो आ सकते हैं, बंद भी हो सकता है। कंटेंट आईडी क्लेम्स डोंट रिजल्ट इन कॉपीराइट स्ट्राइक, डोंट अफेक्ट योर चैनल्स एक्सेस टू फीचर्स, मगर कंटेंट जो आईडी हम यूज़ जो बहुत ध्यान से करनी वो पड़ती है हमें, ठीक है। उसके साथ कुछ डिस्क्रिप्शन में हमें लगाना और बताना पड़ता है, अदरवाइज ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। बेशक मैंने पीछे कहा है कि ये चैनल को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बट ये चैनल को नुकसान पहुँचा सकती है।
क्योंकि कंटेंट वो आईडी कुछ मुल्कों में अलाउ होती है, कुछ में नहीं होती, का कंट्री ब्लॉक वाला सिस्टम जैसे कि होता है इसी तरह वो होता है। अदरवाइज आपने बहुत ही ध्यान से ये करना, अगर आप करना ही चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूट्यूब को कंटेंट आईडी के लिए। एक दफ़ा आपको कंटेंट आईडी मिल गए तो आपको स्पेसिफिक कंटेंट अपलोड करने की परमिशन मिल जाएगी, तो जिसको आप अपलोड करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप किसी को ईमेल करके भी कंटेंट आईडी हासिल कर सकते हैं। तो अभी हमें बात की कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की, लोकल कॉपीराइट लॉ की, ठीक है, और हमने बात की कंटेंट आईडी की। तो फर्दर चलते हैं, सॉरी, तो फर्दर हमने देखा कि हमारा चैनल किस किस तरह से टर्मिनेट हो सकता है स्टार्ट करने के बाद, जिन जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है अगर हम यूट्यूब पे पैसे कमाने आए हैं, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने जाले हैं। तो हमने यूट्यूब के एडवर्टाइज़र फ्रेंडली गाइडलाइंस का एहतराम हमेशा से करना है ताकि हम ठीक ठाक तरीके से पैसे कमा सके यूट्यूब से, ठीक है। तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम जो है शफाफियत पे यकीन रखता है, जिसको हम YPP भी कहते हैं, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। अगर आप एक दफ़ा इसमें शामिल हो गए तो आपके पैसे बनने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो टू अप्लाई फॉर YPP, अगर आपका चैनल है और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर को होना ज़रूरी है, चैनल गुड स्टैंडिंग में हो और 4000 पब्लिक वाचार हो आखिरी एक साल के अंदर, ये आपको ज़रूरी है। अगर आपने इसको मतलब आपके पूरा हो गया है और फिर आप अप्लाई करोगे, फिर 3 स्टेप आएंगे, ठीक है। पहला तो एग्री करा, दूसरा ये एडसेंस, और तीसरा यूट्यूब रिव्यू करता है आपके कंटेंट को कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, और आप किसी का उठाकर तो नहीं अपलोड कर, रिपीटिव कंटेंट तो नहीं है, बेकार कंटेंट तो नहीं है, यूज़फुल कंटेंट तो नहीं है। अगर ये होगा तो यूट्यूब तहकीक और उसके करने के बाद सोचेगा कि आपके चैनल को एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका चैनल एक्सेप्ट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर वो रिजेक्ट वो कर देंगे। रिजेक्ट कर भी देंगे तो आपको 28 दिन का टाइम मिल जाएगा दोबारा से, मतलब कि वो चीज़ें जो आपने गलती की हैं उनको सुधारने के लिए आपको 28 दिन का प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा। और अगर आपका चैनल जो है बिल्कुल साफ़ है और कोई इशू नहीं है तो वो आप को उसी वक्त मैसेज वो आ जाएगा, आप ज्वाइन हो वो जाओगे। ज्वाइन करने के लिए फिर से 3 स्टेप आएंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, और आपका चैनल जो मोनेटाइज भी हो जाएगा और आप पैसे कमाने लग जाओगे काफ़ी तरीके से, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ ऐड लगा के पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आपकी वीडियो पे ऐड चलने लग जाएंगे, ऐड चलेंगे तो जाहिर बात आपके पैसे बनने लग जाएंगे। जितने भी ऐड चलेंगे या आपके एड्स पे क्लिक होंगे व्यूवर्स की तरफ से तो आपके पैसे ऐड होते जाएंगे। इसके अलावा सुपर थैंक्स है, मेंबर्स है, इसके ऊपर भी हम काफ़ी वीडियो बनाएंगे और पहले बना भी चुके हैं थोड़ी, तो भी हम अच्छे खासे इस पे पैसे अर्न कर सकते हैं। सो ये तो हमने आपको बता दिया कि आप YPP प्रोग्राम बनने के बाद अगर आप सेफ्टी के साथ चलते हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, आपके कंटेंट में कुछ यूज़फुल है, तो आप YouTube से अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। और इसके लिए कि आपके पास स्पॉन्सरशिप आपको लोकल भी मिल सकती है। तो ये थे सारे तरीक़ेकार, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दौरान रकबों को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।